हादसे में सीडीएस रावत समेत 13 लोगों की गई जान, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जताया दुख। टीएमसी का निशाना, कहा कांग्रेस लड़ाई में थक चुकी है, अंतर्कलह ने उन्हें तहस नहस कर दिया। कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल करेंगे संसद में बयान। कुंडूर में हुए हादसे में नेताओं का बयान आया सामने, राहुल गांधी, नितिन गडकरी समेत तमाम नेताओं ने हादसे पर जताया दुख। डॉक्टर सुरेश जाधव का हुआ निधन, कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड निर्माण में निभाई थी अहम भूमिका। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। सहारनपुर में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां पर उप मुख्यमंत्री ने इस खास अवसर पर लाखों रुपए की लागत की 94 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जिले को करोड़ों रुपए की सौगात दी गई है। जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सबका साथ सबका विकास ही हमारी सरकार और पार्टी का मिशन है, जबकि अन्य पार्टियों का मकसद कुछ का कुछ करना था। वहीं उन्होंने कहा कि योगी सरकार में सभी 75 जिलों में एक समान विकास हुआ है। आज यहां पर हम लोगों ने 270 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है। महापुरुषों के नाम से कुछ नामकरण करने का काम किया है, विकास किया है, विकास करेंगे। 300 से अधिक सीटें 2017 में जीते थे, 2022 में भी जीतेंगे। हम भेदभाव नहीं करते, इसलिए बिना भेदभाव के जनता का समर्थन और आशीर्वाद और वोट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। 2017 में हमारे 5 विधायक जीते थे, इस बार सहारनपुर के हम सभी 7 विधानसभा सीटों पर विजय प्राप्त करने के लक्ष्य के संकल्प के साथ यहाँ प्रयास कर रहे हैं और जनता का समर्थन भाजपा को। वहीं अमरोहा के हसनपुर नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फार्मासिस्ट चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही 2 घंटे कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी गई। आपको बता दें कि लगातार फार्मासिस्ट चिकित्सक अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार प्रदर्शन करने वाले लोगों की मांगों को पूरा नहीं कर रहे। फार्मासिस्ट शिक्षकों की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। फार्मासिस्ट मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि फार्मेसी अधिकारियों को घोषित किया जाए, फार्मासिस्ट को फार्मेसी अधिकारियों घोषित किए जाने की मांग को लेकर प्रांतीय आवाहन पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डिप्लोमा फार्मासिस्टों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बिजनौर दौरा भी देखने को मिला, जहां पर खालसा इंटर कॉलेज में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हुए थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का परिवहन मंत्री अशोक कटारिया और भाजपा के दिग्गज नेताओं ने फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में लोग देखे, वहीं पर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया था। डिप्टी सीएम ने विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया और सड़कों का नामकरण भी किया। वासियों हार्दिक बधाई देता हूँ और आज लगभग 200 करोड़ की परियोजनाओं का यहाँ लोकार्पण शिलान्यास हुआ है और लगभग 300 करोड़ की परियोजनाओं की यहाँ पर घोषणा हुई और यह परियोजनाएं जो लोकार्पित हुई वो जनता को सुपुर्द कर दी गई है, जिनका शिलान्यास हुआ जल्द से जल्द उसे सौंपा जाए, इसके निर्देश दिए गए। आज मैंने यहाँ पर 3 मार्गों के नामकरण, 2 मार्गों का नामकरण और जो हमारा बिजनौर का अतिथि गृह है उसका भी नामकरण किया, जिसमें बिजनौर चांदपुर मार्ग या महात्मा ज्योतिबा फुले मार्ग के नाम से आज से जाना जाएगा और बिजनौर नूरपुर मार्ग या मानवर कांशी राम जी के नाम से जाना जाएगा और बिजनौर का जो अतिथि गृह है, गेस्ट हाउस है, उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से जाना जाएगा, इसकी भी घोषणा किया है और इसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी। और हमारा प्रयास है कि बिजनौर हो या उत्तर प्रदेश, हम सभी 75 जिलों का व्यापक सर्वांगीण विकास
हमारा और हमारी सरकार का संकल्प, और उस संकल्प को हम सफल बनाने के लिए डेढ़ वर्ष में कोरोना के बाद भी प्रयास किया और उसका परिणाम। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सुरक्षित विधानसभा सीटों पर अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश कुमार मिश्रा आज सहारनपुर पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने सहारनपुर के रामपुर, मनिहारन और देहात विधानसभा सुरक्षित सीटों से आए एक विशाल जनसमूह को संबोधित किया। सहारनपुर के पंचवटी गार्डन में आयोजित जनसभा में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जनसभा के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सतीश चंद्र मिश्रा ने किसान आंदोलन के विषय में भी बात की। किसान आंदोलन देखिए, उनकी मांग एमएसपी की, उनकी मांग जो 700 लोग मरे हैं उनके, उनको क्या देने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से कॉम्पनसेट करेंगे, और उनके जो मुकदमे उनके खिलाफ लिए हैं उनको वापस लेने की मांग जो है वो किसानों की जायज मांग है और उसको इनको वापस लेना चाहिए। सपा और आरएलडी गठबंधन पे क्या कहेंगे सर? वो गठबंधन देखिए अभी कितने दिन चलता है, पहले ये भी देखिए। वही संभल के उपनगरी सराय तरीन में अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह का प्रारंभ 8 दिसंबर को हुआ। यह 8 दिन तक चलने वाला कार्यक्रम है, जिसमें हस्तशिल्प कारीगरों को उनके कार्य से संबंधित ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। जिला उद्योग केंद्र में आए राजेंद्र वर्मा ने बताया कि यह कैंप पूरे सप्ताह 8 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसमें बैंक लोन के विषय में बताने के लिए बैंक कर्मी भी आकर कैंप को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा दूसरे विभाग के अधिकारी आकर योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी भी देंगे। समाज सेवी और हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी ताहिर सालमी ने बताया कि इस तरह के कैंप को लगाने का मकसद हर प्रकार के हैंडीक्राफ्ट के कारीगरों को लाभ पहुंचाना है। वही मैनपुरी में पुलिस से बर्खास्त सिपाही का कारनामा सामने आया है, जहां पर बर्खास्त सिपाही ने अपने गैंग बनाकर फर्जी क्राइम ब्रांच पुलिस बनकर लोगों से वसूली और अपहरण की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। बता दें कि इसके आपराधिक इतिहास को देखते हुए इसे पिछले साल से ही बर्खास्त कर दिया गया था। पुलिस अधीक्षक ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए टीमें गठित कर दी और खड़गपुर मोड़ से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आपको बता दें कि इनके पास से 2 तमंचे और कारतूस और फिरौती में मांगे गए रुपए भी बरामद किए गए हैं। इसमें थाना क्षेत्र में पिछले दिनों 2 दिन पहले एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें कि रणधीर सिंह नामक एक आदमी का किडनैपिंग हुआ था, जिसमें कि थाने पर 364A का मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में इसमें हमारी सर्विलांस की टीम और लोकल SHO साथ में CO और पूरी टीम हमारी लगी, और बाद में पता लगा कि ये जो गैंग है ये पुलिस का एक बर्खास्तशुदा सिपाही अनुज, ये जो कि यहीं से बर्खास्त किया गया था पिछले दिनों एक ट्रक लूट के मामले में, यहीं से 2020 में बर्खास्त किया गया था, तो उसका रोल है। और इस आधार पर पूरी टीम सक्रिय हुई और 5 साथी लुटेरे गिरफ्तार किए। वही बुलंदशहर के कोतवाली शिकारपुर इलाके के गांव हलपुरा के राशन डीलर ने सप्लाई इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राशन वितरण को लेकर अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगाया गया है। शिकारपुर तहसील परिसर में राशन डीलरों ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश शर्मा के नेतृत्व में शिकारपुर तहसील इलाके पर तैनात सप्लाई इंस्पेक्टर संतोष शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए SDM शिकारपुर को ज्ञापन सौंपा। वहीं राशन डीलर का कहना है कि अगर सप्लाई इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो इसी प्रकार से जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। 100 रुपये अब एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, और शिकायत होती है तो कहते हैं उसमें ये लेंगे, नहीं तो हम तुम्हारी दुकान निरस्त कर देंगे। दुकान निरस्त करेंगे बाहर करने के बहाने, फिर इनसे वो 50,000 की डिमांड करेंगे। इसीलिए इन्होंने ये अति कर रखी है। मेरे पास हमारे गांव के ही डीलर ने हमसे कहा कि जी ऐसे ऐसे कह रहा है, 2 किलो राशन कम बांटेंगे। जब मैंने उससे खुद ही कहा, खुद मैंने इंस्पेक्टर से कहा, तो उसने तो मुझसे मिसबिहेव और किया, और ये कहा, मैंने फिर उससे कहा मैं तहसील आ रहा हूँ। तो इस तरह से इतना अत्याचार एक आम जनता में, ये जो फ़र्क पड़ रहा है रिश्वत का किसी एक आदमी या किसी पूंजीपति पर नहीं पड़ रहा, ये हमारी जो भोली वाली जनता है गाँव, जिस पर रोटी खाने के लिए आज की डेट में पैसा नहीं है इस भुखमरी में, वो उसके राशन को 2 किलो काट के अपना पेट भर रहा है,
तो इस तरह से ये इंस्पेक्टरों की दलाली है और इस तरह से हम उनका व्यवहार किसी भी कीमत पर नहीं चलने चलेंगे। ये कहा है हम जांच करके इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जांच के लिए ये मैं पर्याप्त गांव-गांव जाऊंगा, गांव के हर डीलर से वीडियो बना के क्लिप बना के मैं ऊपर अधिकारियों तक दूंगा। 30 साल हो गए 31 राशन डिलीवरी करते, जब से ये फ्री का चल रहा है, जब से पैसे मांग रहे हैं डबल। कौन मांग रहा है? इंस्पेक्टर संतोष शर्मा। कितने पैसे मांग? पहले 3800 रुपये जाते थे, 2500 रुपये तो रोस्टर सभी का और 10 रुपये क्विंटल का वो था, और अब ये कह रहे हैं कि 2500 और दो उसमें। वही राजधानी लखनऊ में बदमाशों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप को लूट का निशाना बनाया। शातिर बदमाशों ने कर्मचारी को गोली मारी और सोने और लाखों की लूट को की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। कपूरथला के बैंक ऑफ बड़ौदा के पास ज्वेलर की को भी गोली मारने की घटना जो है वो सामने आई है। पुलिस ने घायल व्यापारी को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले को संज्ञान में लेकर बदमाशों की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। देखिए प्रायः फिर से अभी यहाँ पे 1 बजे के आसपास चार लुटेरे बताए जा रहे हैं, जो दो अंदर गए दो बाहर थे, और एक व्यक्ति को गोली लगी जो इनका एम्प्लॉई था जिसका नाम श्रवण है, उसको यहाँ से ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। प्रायः फिर से अभी तक 500 ग्राम के आसपास सोने की चेन्स की लूट बताई जा रही है। कैश का थोड़ा सा कैश ले जाते दिखाया जा रहा है, पर कितना अमाउंट है वो अभी सर्टेन नहीं है। लोग अंदर थे, दो लोग बाहर थे, चार लोग, एक राउंड बताई जा रही है। आज की घटना से पूरे राजधानी के व्यापारियों में एक दहशत आक्रोश है। दिन दहाड़े जिस तरीके से सलाफा व्यापारी के साथ लूट की घटना हुई है, उनके कर्मचारी को गोली मारी गई है, इससे व्यापारी सब आक्रोशित हैं। अभी हम लोग कुछ ऐसी सूचना मिली, हम लोग मौके पर आए हैं। पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है कि तत्काल इस पर कार्रवाई की जाए और लुटेरों को गिरफ्तार किया जाए। प्राथमिक स्तर पर हम लोग पुलिस को 72 घंटे का समय दे रहे हैं। यदि 72 घंटे में कोई कार्रवाई नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई, तो आदर्श व्यापार मंडल इस पर आंदोलन करेगा। लखनऊ में आज लूट की वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप को अपना निशाना बनाया है, जहां पर एक ज्वेलर को गोली मार दी गई है। वहीं आपको बता दें, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि घटना स्थल की हम आपको दिखा रहे हैं, किस प्रकार से ज्वेलर्स की शॉप को निशाना बदमाशों ने बनाया है। कपूरथला के बैंक ऑफ बड़ौदा के पास ज्वेलर की शॉप थी, जहां पर एक ज्वेलर को भी गोली मार दी गई है। फिलहाल घायल व्यापारी को ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं औरैया में सुपारी से भरे ट्रक चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां चोरी के ट्रक से लाखों का सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने शातिर दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 5 बदमाश इस पूरे मामले में अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। एसओजी और एरवा कटरा पुलिस की संयुक्त टीमों की कार्रवाई करते हुए ये पूरी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। जो इनके रिश्तेदार भी बताए जाते हैं, उनसे इन्होंने संपर्क किया। उन्होंने कई और लोगों से संपर्क करवाते हुए, जैसे राजीव राठौर हैं और कृष्णोत्तर यादव, शरद यादव हैं, ये सभी लोगों से संपर्क करके एक इनकी डील सेट हुई और लगभग 73,50,000 रुपीज़ में इसकी कीमत तय हुई थी। पुलिस को जब ये पता चला कि इस तरीके से कि रैकेट वर्क कर रहा है, जो इस सुपारी को बेच सकता है, इस पर हमने तुरंत अपनी टीम को रवाना करते हुए ये जो दो व्यक्ति हैं, जिसमें सचिन प्रताप सिंह उर्फ सोनू भदौरिया, इनको गिरफ्तार किया है। साथ में शुभान सिंह भदौरिया, इनको भी गिरफ्तार किया। साथ ही साथ जो इस सुपाड़ी की जो ये कीमत तय हुई थी 73,50,000 रुपये, ये 100% पुलिस टीम द्वारा इसकी बरामदगी की गई है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।